Hi everyone, first of all congratulations to all of you who performed the better in class 6 and got the promotion in the class 7. खास करके उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत किए हो, अच्छा परफॉर्म किए हो और 6 में अच्छा मेहनत कर करके आप लोग किस में गए, अब 7 में गए, उन सारे बच्चों के लिए सबसे हम लोगों की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, अब आप लोगों को समझ जाना है 6 जिस तरह से गया, 7 भी आप लोगों का पढ़ाई और टफ हो जाएगा. ये सब चीज आप लोग जानते हो बेटर पहले से ही, इसलिए सभी के सभी और हार्ड वर्क करना, अच्छे से तैयारी करना. ओके, नाउ टुडे वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द राइज एंड द स्पीड ऑफ द किसिंग ट्री. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये सबसे पहला चैप्टर आपका है बुक का और ये है आपका Rise and Speed of the Christianity. In this chapter we have read first of all about to be the history. इस subject में ना सबसे पहले हम लोग history के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या दिया गया, नहीं दिया गया. Study of the history has been divided into the 3 period. कहते कि study of history जो है ना, इसको आपको ना एक तरह से 3 period में divide किया गया. And first is the ancient period, second one is the medieval period and the third one is the modern period. इन 3 पीरियड में आपके इस चैप्टर में, इस बुक्स में जो है ना, वो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है. सो दिस हैज बीन टू बी द डन ऑर्डर टू बी द सिंपलीफाइड टू बी द अंडरस्टैंडिंग. ये ना एक तरह से अलग अलग करके इसी तरह से पीरियड में डाला गया. किस लिए जानते हो? क्योंकि आपको एक तरह से समझ में आएगा, इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे कि ऑफ द ट्रांजिशंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीरियड. मतलब अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी, नहीं हुई थी, ये सब सारा चीजों को जानने के लिए ही आपको हिस्ट्री को जो है ना वो 3 पीरियड में एक तरह से डिवाइड किया गया है. नाउ द वर्ड द मेडिवल कम्स. अब हम लोग आते हैं ना सबसे पहले ये वर्ड मेडिवल्स में. ये जानते हो एक तरह से ये मेडिवल जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड आपका कहां से लिया गया है? ये मेडिवल वर्ड जो कहा जाता है कि कम्स फ्रॉम द लैटिन. ये ना एक तरह से लैटिन वर्ड से लिया गया है. एंड मीडियम एवियम इसका नाम है. एक तरह से अगर हम लोग देखें तो इनको ना लैटिन में मीडियम एवियम कहा जाता है. एंड विच मीन्स द मिडिल एजेस. और जिसका मतलब क्या है आपका? मिडिल एज. किसके लिए हम लोग डिफाइन कर रहे थे यहां पर में? तो मिडिवल पीरियड के बारे में ये चीज हम लोगों ने समझा कि कहां से ये लिया गया, इसका मतलब मेन क्या होता है. नाउ द मिडिवल पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो डिड नॉट द बिगिंग एट द सेम टाइम इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम लोग वर्ल्ड के मतलब बात करें, विश्व की बात करते हैं, तो ये मिडिवल पीरियड आपका एक ही समय में सब जगह जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था. हर सब जगह जो था ना, ये अलग अलग टाइमों में कहा गया कि ये स्टार्ट हुआ था. एंड नॉट डिड टू बी द ट्रांजिशन फ्रॉम टू बी द एंशिएंट पीरियड टू बी द मिडिल पीरियड. और ऐसा हुआ नहीं कि ओवरनाइट जो था ना वो एक तरह से ये चेंजिंग होती चलेगी. इट वाज अ ग्रेजुअल द प्रोसेस. ये एक ही रात में चेंज भी नहीं हुआ, और ये जो प्रोसेस हुआ था वो आपका ग्रेजुअल होते 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 चला गया. नाउ अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं, तो मिडिल पीरियड इन इंडिया स्पैन फ्रॉम टू बी द 8th टू बी द 18th सेंचुरी. अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना, तो इंडिया में खास कर अगर माना जाए तो ये आपका 8th से लेकर के ना 18th सेंचुरी तक ये पीरियड जो था आपका मिडिवल पीरियड, ये एक तरह से स्पैन किया था. नाउ दिस पीरियड विटनेस टू बी द राइज एंड द फॉल ऑफ द एम्पायर. कहते हैं कि इस पीरियड में ना बहुत सारा सा चीज हम लोग एक तरह से देख सकते थे कि किस तरह से कौन कौन एम्पायर जो था एक तरह से राइज किया था, कौन कौन सा एम्पायर जो था वो एक तरह से फॉल किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में. इन द नॉर्थ अगर हम लोग बात करते हैं, तो देयर वर द इनकर्शंस फ्रॉम द अक्रॉस टू बी द माउंटेन व्हिच हैड टू बी द इमरजेंसी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. कहते कि दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर. कहते कि उस समय में अगर हम लोग नॉर्थ के तरफ से देखें ना, तो इनकर्शंस हुई थी. इनकर्शंस का मींस होता है टू अटैक, मतलब एक तरह से चढ़ाई किया गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत को वो चाहे मुगल एम्पायर को ये सब इमरजेंसी उस समय में ये सब सारे के सारे चीजों को देखना पड़ा. नाउ द सदर्न एम्पायर दिस पीरियड इंक्लूडेड टू बी दो ऑफ द चोलास. कहते हैं कि अगर हम लोग सदर्न एम्पायर की बात करते हैं ना, तो ये एक तरह से चेंज होते होते आपका इंक्लूड हो गया. किसमें? चोलास में एंड द विजयनगर एम्पायर में. विजयनगर एम्पायर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब एक एक करके बहमानी किंगडम के बारे में भी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे एक एक करके जब वो पॉइंट सब आएगा तब. एंड दिस पीरियड ऑल्सो शॉ द इमरजेंसी ऑफ द न्यू पैटर्न ऑफ द टोन्स. कहते हैं कि इस पीरियड में ना बहुत सारे इमरजेंसी ऐसे टोन्स को अगर को देखा गया था, किस तरह से चेंजिंग हुई थी. एंड विच वर द डिफरेंट फ्रॉम, जो कि एक तरह से डिफरेंट हुआ करता था. किससे डिफरेंट हुआ करता था? दोज दैट
एग्जिस्टेंस इनटू द एंशिएंट पीरियड, जो एंशिएंट पीरियड में एग्जिस्ट हुआ था उसके बाद से कैसे करके इसमें चेंजिंग वगैरह सब आने लगी थी। अगर हम लोग यूरोप की बात करते हैं तो इन यूरोप अगर मिडिवल पीरियड की बात करते हैं तो दे वेयर बिगेन टू बी द 476 BC। अगर हम लोग सॉरी CE, ये अगर यूरोप की बात करते हैं ना तो 476 के आसपास में आकर के 476 CE के आसपास में आकर के ये मिडिवल यूरोप मतलब ये जो था आपका पीरियड, ये पीरियड आपका यूरोप में जो था वो स्टार्ट हुआ था। ये सब डेट वगैरह आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे काम में आएंगे। सो विद द फॉल ऑफ द रोमुलस ऑगस्टियंस, कहते हैं कि उस समय में जो रोमुलस ऑगस्टुलस थे ना वो एक तरह से खत्म हो चुके थे एंड ही वाज द लास्ट एम्पायर ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरह से कौन थे, तो वे लास्ट एक तरह से एम्पायर, ये एम्पायर माना गया था उस समय में। सो द मिडिवल एज इन द यूरोप एक्सटेंडेड फ्रॉम टू बी द 5th to 15th century। अगर मिडिवल पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं यार मिडिवल एज की बात करते हैं तो यूरोप में ना ये एक्सटेंड होने लगा था आपका 5th से लेकर के 15th century में। कब से लेकर के 5th से लेकर के आपका ये 15th century तक में कहा जाता है कि ये एक तरह से एक्सटेंडिंग उस समय में होने लगी थी। एंड दिस पीरियड हैज बीन द डिस्कर्ड बाय द हिस्टोरियंस, कहते हैं कि इस पीरियड के बारे में हिस्टोरियंस ने क्या कहा था, एज द मोस्ट द इन्फ्लुएंस पीरियड फॉर द यूरोप, और ये यूरोप का एक तरह से मोस्ट इन्फ्लुएंस पीरियड बना गया था। एंड दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड द वेरियस सोशल्स, बहुत सारी चेंजिंग हुई थी इस पीरियड में आकर के, जिसमें आपका सोशल था, जिसमें आपका पॉलिटिकल पॉइंट था, जिसमें आपका इकोनॉमिक चेंजिंग थी, जिसमें आपका कल्चरल चेंजिंग थी, और जिसमें आपका रिलीजियस चेंजेस वगैरह भी थे। ये सारे के सारे डिटरमिनेशन जो था ना वो सब चेंज अब जो था उस समय में देखा गया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे दैट इज द रोमन कंक्वेस्ट ऑफ द पैलेस्टाइन, किस तरह से रोमन ने क्या किया, एक तरह से पैलेस्टाइन को जो था वो कंकर किया, मतलब उसको अपने कब्जे में किया था। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, रोमन कंक्वेस्ट ऑफ द पैलेस्टाइन। ये जो पॉइंट हम लोग इसमें चैप्टर में डिस्कस करने के लिए जाएंगे, इसमें सबसे पहले दिया कि द रोमन एम्पायर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द टाइम, कहते हैं कि रोमन एम्पायर को एक तरह से ग्रेटेस्ट एम्पायर माना गया था एंड कंकर्ड बाय द जूडिया, कहते हैं कि ये जो था ना वो एक तरह से जूडिया तक कंकर्ड किया गया था, प्रेजेंट डे ऑफ द पैलेस्टाइन, जो आज जो जगह का नाम है ना वो जगह आपको एक तरह से उसको क्या कहा जाता है, पैलेस्टाइन का नाम कहा जाता है। एंड इन द 1st century BC, और ये कब हुई थी तो 1st century BC में आकर के। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द पैलेस्टाइन द होमलैंड ऑफ द ज्यूज, कहते हैं कि जब इन लोगों ने पैलेस्टाइन को कंकर्ड कर लिया ना, जो कि कंकर्ड कर लिया, ये एक तरह से जगह था, होमलैंड माना जाता था, किसका माना जाता था, तो जो वहां पर में रहने वाले सब होते थे जिसको एक तरह से ज्यूज का नाम दिया गया था, ये होमलैंड था ज्यूज का पैलेस्टाइन। द रोमन अपॉइंटेड द हेरोड एज द किंग ऑफ द गवर्न टू बी ओवर द एरिया, कहते हैं कि उस समय में रोमन्स ने क्या किया, एक तरह से ना वहां पर में स्टैब्लिश किया, एक राजा बनाया, राजा किसको बनाया गया तो हेरोड को, राजा का नाम क्या था उस समय में, इनका नाम हेरोड माना गया था, कहा गया था इसको, यहां पर में रोमन्स ने क्या किया, एक तरह से रूलर बनाया और अपॉइंट करने के बाद में कहते कि द ज्यूज अंडर द हेरोड हैड द डिफिकल्ट टाइम, कहते कि जब ज्यूज एक तरह ये जब हेरोड राजा बना था ना तो उस समय में ज्यूज के लिए जो टाइम था ना वो ठीक नहीं था, वो डिफिकल्ट टाइम एक तरह से माना गया था उस समय में इनके लिए। सो मोरेवर फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्पायर ऑगस्टस इन द 1st century BC द एम्पायर एज्यूम टू बी द रोल ऑफ द चीफ ऑफ द हाई प्रीस्ट, जिस तरह से कहा गया कि जब एक तरह से 1st century में आकर के एम्पायर जो थे मतलब ऑगस्टस के समय में जो भी था वहां पर में एम्पायर ऑगस्टस के समय में जिस तरह से प्रॉब्लम में थी वैसे ही प्रॉब्लम में इन लोगों को हेरोड के समय में भी देखने को मिला था। सो इसके बाद में 1st century में आकर के जो एम्पायर थे ना जो रूलर थे उन्होंने अपने एज्यूम किया टाइटल द रोल ऑफ द चीफ हाई और द हाई प्रीस्ट के नाम से वो जाना जाने लगा, मतलब एक तरह से पहचानने लगे। द रोमन रिलीजन वाज अ पॉलीथियस्टिक, कहते कि रोमन रिलीजन को ना एक तरह से पॉलीथियस्टिक कहा गया, आप अपने बुक्स में देखना पॉलीथियस्टिक का मीनिंग वगैरह भी दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ द बिलीविंग इन द मेनी गॉड्स, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करना ये कि बिलीव करना बहुत सारे गॉड में और उसी चीज को एक तरह से बिलीव करना। सो वेयर एज अगर हम लोग बात करते हैं ना द ज्यूज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनली वन गॉड, कहते कि उस समय में जो ज्यूज थे ना ये लोग बिलीव करते थे सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करते थे एंड दिस डिफरेंस द फॉर द
एलियंटेड बाद में क्या हुआ, यही जो डिफरेंसेस हुई ना कि वहां पर मैं बहुत सारे गॉडों को माना और ये लोग सिर्फ एक ही गॉड को मानते थे, तो ये जो एक तरह से एलियंटेड हुआ उस समय में द ज्यूज के लिए वो डिफरेंसेस आकर के आगे बढ़ने लगा। सो दे वेयर द ईगरली टू बी द अवेटिंग टू बी द मसीहा और द चूजेन ऑन फ्रॉम द गॉड टू बी द सॉदेम एज अ हैड बीन। कहते कि वो लोग ना एक तरह से अब एक वेट करने लगे कि कोई ऐसा मसीहा आए। मसीहा का भी मीनिंग आपका बुक में दिया गया होगा, ठीक से देखोगे, अ पर्सन हु इज एक्सपेक्टेड टू बी द कम, एक ऐसा आदमी जिसको कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आएंगे एंड सेव द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को जो है ना वो एक तरह से बचाएंगे। सो इन द क्रिश्चियनिटी इट द सिग्निफाइड टू बी द जीसस क्राइस्ट। अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी में देखते हैं ना रिलीजन में, तो ये चीज एक तरह से माना गया था, किसके बारे में कहा गया था, तो जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया था। तो जितने सारे ज्यूज वगैरह थे ना, ये लोग एक तरह से वेट करने लगे थे ऐसे मसीहा का जो कि आएंगे। एंड द चूजन वन फ्रॉम द गॉड टू बी द सेव, और वो लोग ने एक तरह से मतलब गॉड के द्वारा उनको भेजा जाएगा जो कि वो सेव करेंगे, पूरे वर्ल्ड को वो सेव करेंगे। ये सारी की सारी बातें जो थी वो ज्यूज के अंदर में आने लगा था। एंड हैड बीन द प्रोफेस्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, यानी कि ये चीज ओल्ड टेस्टामेंट में जो था ना वो एक तरह से लिख दिया गया था। ये ओल्ड टेस्टामेंट जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो इनको डिवाइड किया गया, तो ये उसमें एक पार्ट ये भी था ओल्ड टेस्टामेंट का, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल इनको माना गया है। बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो कंप्राइजिंग की गई है क्या चीज के बारे में, 39 बुक्स के बारे में, मोस्टली रिटेन इन द हिब्रू समिता एंड एक उस समय में जो था ना जो भी लैंग्वेज उसी में उस समय में लिखा गया था। और ये था आपका बिटवीन अबाउट टू बी द 1200 से लेकर के 100 बीसी की बात है। तो ये सारे के सारे रोमन कंक्वेस्ट ऑफ द पैलेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने ये सब सारा का सारा पॉइंट डिस्कस किया।